नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, वहीं विधानसभा में मचा हड़कंप। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। जहां एक और भाजपा कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है, वहीं अब छोटी पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका इस चुनाव में बढ़ गई है। यही कारण है कि अन्य दलों और प्रत्याशियों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में 199 सीटों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना कराई जाएगी। राजस्थान में इस बार कुल 75.45% मतदान हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल के बाद माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। एग्जिट पोल आने के बाद प्रयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में महज 5 से 6 सीटों के अंतर से सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां संभावित विजेताओं में बातचीत कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे निरंतर विधायकों के संपर्क में है। 3 दिन में करीब 110 पार्टी प्रत्याशियों ने वसुंधरा से जयपुर में मुलाकात की है। वसुंधरा की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय नेताओं से फोन पर बात हुई। राजस्थान में मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य की 199 सीटों पर 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना कराई जाएगी। प्रदेश में इस बार कुल 75.45% मतदान हुआ है। 199 विधानसभा क्षेत्र के लिए 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को कांग्रेस से आगे बताया गया है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज कायम रहने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे दिखाया गया है। राजस्थान में सीएम के चेहरे पर बीजेपी सांसद और विद्याधर नगर से उम्मीदवार दिया कुमारी ने कहा कि ये नेताजी के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पार्टी मुझे जो भी काम देगी, मैं उसे हमेशा पूरा करती रहूंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। जोशी ने कहा कि राजस्थान में वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। जोशी ने कहा कि वो सीएम तो नहीं बनेंगे, लेकिन यदि उनकी पार्टी राज्य में सरकार बनाती है तो जो सीएम बनेगा उसे माला पहनाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जोशी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का भरोसा जताया। सीपी जोशी ने कहा कि भाजपा 3 दिसंबर को पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान सरकार बनाएगी। भाजपा नेता ने कहा कि भाजपा 135 से अधिक सीट जीतेगी, जबकि कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी। बता दें कि एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहां मौजूद सरकार को दोबारा न दोहराने की लगभग 3 दशक की परंपरा टूट सकती है। 3 एग्जिट पोल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की गई है, तो वहीं 2 ने राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार आने की कहा। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने नेताओं की नींद उड़ा दी है। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस और भाजपा में बेहद कड़ी टक्कर है। इस पोल के अनुसार जहां भाजपा को 80 से 100 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 86 से 106 सीट मिल सकती हैं। राजस्थान की चुनावी महासागर में चर्चा सिर्फ एक बात को लेकर हो रही है कि आखिर राज बदलेगा या रिवाज। दरअसल अगर कांग्रेस रिवाज बदलने में कायम रही तो यह एक नया इतिहास रचेगी, क्योंकि राजस्थान में पिछले 3 दशकों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो पाई है। यूं तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के बोलबाले बहुत चुनावों में लड़े, लेकिन अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर नहीं किया गया। ऐसे में सवाल है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम आपको ऐसे ही 5 संभावित नाम के बारे में बता रहे हैं। अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो सबसे पहले प्रबल दावेदार एक बार फिर अशोक गहलोत ही होंगे, क्योंकि उनकी योजनाओं के बुलबुले ही कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी और मजबूती से लड़ाई लड़ी। अशोक गहलोत 1998 से 2003, 2008 से 2013 और 2018 से 2023 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव जैसे पदों का भी दायित्व संभाला है। उन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है और गहलोत के करीबी कहते हैं कि वह बाएं हाथ से अगला दाव कौन सा चलेंगे यह दाएं हाथ को भी मालूम नहीं होता। राजस्थान कांग्रेस में दूसरा सबसे बड़ा नाम सचिन पायलट का है। सचिन पायलट 2018 में भी मुख्यमंत्री पद के लिए एक मजबूत दावेदार थे। हालांकि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनकर ही संतोष करना पड़ा था। पायलट के नाम सबसे कम उम्र में सांसद बनने का भी रिकॉर्ड है। साथ ही 2013 में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद पार्टी और संगठन को मजबूती से खड़ा भी सचिन पायलट ने ही किया। पायलट को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का भी बेहद विश्वसनीय माना जाता है। साथियों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि कल नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।